फ्लैगशिप फीचर्स बट इन मिड प्राइस पॉइंट। या गाइस रेडमी इज गोइंग टू डू समथिंग लाइक हियर रेडमी नोट 11 सीरीज। जी हाँ गाइस, यहाँ पर सब कुछ कन्फर्म्ड हो चुका है। इस स्मार्टफोन में एवरीथिंग फ्लैगशिप फीचर्स देखने को मिलने वाला है, वो भी मिड प्राइस पॉइंट में। एंड रेडमी ने फाइनली रेडमी नोट 11 प्रो मैक्स का कन्फर्म स्पेक्स रिवील कर दिया है, जहां से ये कंफर्म हो जा रहा है गाइस कि स्मार्टफोन में न्यू क्वाड कैमरा देखने को मिलेगा, न्यू सेंसर देखने को मिलेगा। सो इफ यू नो मोर अबाउट दिस स्मार्टफोन एक्सपेक्टेड इंडियन प्राइस एंड इंडियन लॉन्च डेट, सो प्लीज वॉच द वीडियो कंप्लीटली। सो बिफोर स्टार्टिंग अ वीडियो यू कैन सपोर्ट मी बाय हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन सो यू नेवर मिस एनी न्यू अपडेट। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। गाइस पहले बात करते हैं स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में। सो यहाँ पे हमें न्यू प्रोसेसर का सपोर्ट देखने को मिलेगा, ऑलरेडी कन्फर्म्ड है। यहाँ पे हमें न्यू चिपसेट देखने को मिलेगा इन फ्लैगशिप लाइनअप, जो कि होने वाला है 780G डुअल 5G चिपसेट, एंड इसे पावर करेगा न्यू क्लॉक स्पीड 2.6 GHz का। सीरियसली गाइस, एंड यहाँ पे हमें ये जो स्मार्टफोन है 6 nanometer पे देखने को मिलेगा, AI टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। सो यहाँ पे गाइस रेडमी नोट 11 11 प्रो से बेहतर इस स्मार्टफोन में आप गेम प्ले कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि यहाँ पे हमें MIUI 13 का भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर गेम प्ले काफी बेहतर होने वाला है। एंड ये जो स्मार्टफोन है गाइस, यहाँ पे हमें आउट ऑफ द बॉक्स 11 एंड्रॉइड 12 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। एंड पर्सनली गाइस, यहाँ पे हमें 3 रैम वेरिएंट देखने को मिल रहा है। सीरियस में गाइस, यहाँ पे जो पहला है 6 128, दूसरा 8 128 एंड तीसरा 12 256 GB, जो कि रैम वेरिएंट गाइस काफी बिग है। सो गेम प्ले स्टोरेज वेरिएंट काफी बेहतर रहने वाला है। एंड अगर नेक्स्ट बात करते हैं स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में, सो यहाँ पे गाइस HDR 10 प्लस का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जो कि सीरियसली गाइस चाइना ने कंफर्म कर दिया है, विच मेक इट हर डिस्प्ले इवन बेटर। एंड अगर नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे 120 रिफ्रेश एंड फुल टेस्ट सैम्पलिंग रेट का भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है। एंड डिस्प्ले साइज की बात करें तो यहाँ पे 6.67 इंचेस का डिस्प्ले साइज देखने को मिल सकता है। एंड हो सकता है स्मार्टफोन के सेंटर में पंच और कटआउट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। फुल रिफ्रेश रेट है गाइस, कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। एंड स्मार्टफोन के इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, ये ऑफिशियली कंफर्म्ड हो चुका है। स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिलेगा। सो गाइस ओवरऑल डिस्प्ले व्यूइंग एक्सपीरियंस काफी बेहतर है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं स्मार्टफोन के कैमरा वेरिएंट के बारे में, सो यहाँ पे कंफर्म्ड है, यहाँ पे रियर साइड में न्यू क्वाड कैमरा देखने को मिलेगा, यहाँ पे न्यू प्राइमरी कैमरा देखने को मिल रहा है। एंड यू ऑल्सो गेटिंग अ न्यू बिग सेंसर इन बैक फ्रंट ऑफ द डिस्प्ले। सो यहाँ पे बिग सेंसर देखने को मिल रहा है, सो डेफिनेटली यहाँ पे अपर्चर भी काफी बेहतर देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे 108 मेगापिक्सल का न्यू प्राइमरी कैमरा HM2 सेंसर का सपोर्ट देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे दूसरा सेंसर भी कंफर्म्ड है, 8 मेगापिक्सल का सोनी IMX355 अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलेगा। एंड 2 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर का सपोर्ट देखने को मिलेगा। एंड फाइनली स्मार्टफोन का सेल्फी कैमरा भी कंफर्म्ड हो चुका है। रेडमी का कहना है कि स्मार्टफोन में 16 मेगापिक्सल का न्यू सेल्फी कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलेगा, इसके थ्रू आप बेहतरीन फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी कर सकते हो। एंड यहाँ पे ये भी कंफर्म्ड है, यहाँ पे OIS तो नहीं बट AIPS का सपोर्ट देखने को मिल सकता है, जिसको तो आप बेहतरीन वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी कर सकते हो एक अच्छे रेजोल्यूशन पर ले जाके। एंड उसके अलावा बात करते हैं स्मार्टफोन के बैटरी वेरिएंट के बारे में, सो यहाँ पे ऑलरेडी कंफर्म्ड है इस स्मार्टफोन में रेडमी नोट 11 प्रो मैक्स में 5000 mAh की मैसिव बैटरी का सपोर्ट देखने को मिलेगा। एंड स्मार्टफोन का जो चार्जर है वो कुछ सर्टिफिकेशन के ऊपर रिवील हुआ था कि स्मार्टफोन में 120W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट देखने को मिलेगा। एंड अगर गाइस देखने को मिलता है, सो डेफिनेटली ये रेडमी की तरफ से काफ़ी तगड़ा इंप्रूवमेंट होने वाला है। गाइस बात करते हैं स्मार्टफोन के प्राइस वेरिएंट एंड लॉन्च डेट के, इंडिया लॉन्च डेट के। सो रेडमी नोट 11 प्रो मैक्स की कीमत लगभग कंफर्म्ड हो चुका है। यहाँ पे 8GB 128GB वेरिएंट के साथ ये स्मार्टफोन चाइना में 2199 yuan के साथ लॉन्च होने वाला है। सो लगभग इंडिया प्राइस में यहाँ पर हमें रेडमी नोट 11 प्रो मैक्स 25700 रुपये के लगभग देखने को मिलेगा। एंड 8 256 GB जो वेरिएंट है गाइस, वो भी लीक्ड हो चुका है। ये स्मार्टफोन चाइना में 8 256 GB वेरिएंट के साथ 2499 yuan के साथ लॉन्च होगा। सो इंडियन प्राइस में कन्वर्ट किया जाए तो स्मार्टफोन का प्राइस लगभग 29200 रुपये तक हो सकता है। बट अगर 6GB वेरिएंट की बात करें तो स्मार्टफोन का प्राइस लगभग 23000 के अराउंड देखने को मिल सकता है। एंड अगर बात करते हैं लॉन्च डेट की, सवाल ये है कि रेडमी नोट 11 सीरीज इंडिया में कब लॉन्च होगा। सो ये जो स्मार्टफोन है गाइस, बेसिकली देखो चाइना में 28 अक्टूबर को लॉन्च होगा। सो इंडियन में मिड ऑफ नवंबर या फिर दिसंबर के मंथ में देखने को मिल जाए, आई विश देखने को मिल जाए तो काफ़ी बेहतर होगा। बट डेट डिले होगा तो स्मार्टफोन के चिप के शॉर्टेज की वजह से हो सकता है स्मार्टफोन का डेट डिले हो। बट अगर नहीं डिले होता है तो ये स्मार्टफोन जो है वो नवंबर के मिड या फिर दिसंबर के मंथ में देखने को मिल जाएगा। सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड गेट सम हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन। सो इफ यू रियली एंजॉय दिस वीडियो, सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।